स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मदर मिल्क के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मदर मिल्क जो है, मदर मिल्क की जो है दो कैटेगरी होती है। मदर मिल्क में ही हम बात कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क और साथ ही कोलेस्ट्रॉल। तो ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। तो कोलेस्ट्रॉल और मदर ब्रेस्ट मिल्क होता क्या है, ये दोनों चीज़ें हैं तो एक ही, पर इनका जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग है। इनका कलर और कई सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही डिफरेंट हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बच्चे के जन्म के एक हफ्ते तक जो है कोलेस्ट्रॉल का स्राव होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है एक येलोइश चिपचिपा पदार्थ होता है, ये जो है प्रसव के एक हफ्ते तक जो है स्रावित होता है। इसका फायदा क्या होता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रसव के 7 दिन तक जो है ये चलता है, मतलब 7 दिन तक ये इसका स्राव होता है। ये क्यों जरूरी है, इस कोलेस्ट्रॉल जरूरी क्यों है बच्चे के लिए? तो कोलेस्ट्रॉल जरूरी इसलिए है क्योंकि ये पाचन में सहायक होता है। बच्चे का जो पाचन सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, जब क्योंकि बच्चा जो है 9 महीने माँ के पेट में रहता है, तो उस समय उसे बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है, अंदर से ही उसका पोषण होता है। बाहर के जब वो वातावरण में आता है तो उसके अनुसार उसे ढलने में, उसका पाचन सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अकॉर्डिंग बनाने में समय लगता है। तो इन सब चीज़ों में जो मदद करता है वो करता है कोलेस्ट्रॉल। तो जो बच्चा मल त्यागन करता है पहली बार, उसमें भी सहायक कौन होता है, कोलेस्ट्रॉल ही होता है। साथ ही एक ही प्रतिरक्षी तत्व होता है जो कि बच्चे को कई सारी बीमारियों से बचाता है। तो बात कर लेते हैं दुग्ध उत्पादन हार्मोन, यानी माँ के शरीर से जो दूध का उत्पादन होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें। ये जो जो ये आपका हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसी हार्मोन के कारण माँ के शरीर से दूध का स्राव होता है, साथ ही माँ के शरीर में दूध के उत्पादन में भी सहायक होता है। कंपोनेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट यानी कोलेस्ट्रॉल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में जो है बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए और ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है वो है आयरन, यानी बिल्कुल ही ना के बराबर यह होता ही नहीं है। आयरन और विटामिन सी, ये दोनों चीज़ें जो है माँ के शरीर, माँ का जो दूध होता है उसमें नहीं होती है। तो आज हमने बात कर ली कोलेस्ट्रॉल के बारे में। मदर मिल्क क्या होता है, मदर मिल्क का जो जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल का जो कलर है वो येलोइश होता है, थोड़ा गाढ़ा चिपचिपा होता है, लेकिन जो मदर मिल्क होता है, मतलब ये जो मदर मिल्क होता है कोलेस्ट्रॉल के जो है एक सप्ताह तक कोलेस्ट्रॉल का स्राव होता है, उसके बाद में मदर मिल्क यानी जो ब्रेस्ट फीड बच्चा करता है उसका जो है स्राव जो है पूरे टाइम होता है, जब तक बच्चा जो है फीडिंग करता है तब तक इसका स्राव होता है। मदर मिल्क जो है उसका कलर सफ़ेद रंग का होता है, वाइट होता है, जबकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो येलोइश चिपचिपा पदार्थ होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये थोड़ा गाढ़ा होता है, जबकि जो मदर मिल्क होता है थोड़ा सा पतला होता है, और साथ ही इसमें रोगों से लड़ने की क्षमताएं पाई जाती हैं। इसी वजह से कहा जाता है माँ का पहला दूध जो है बच्चे को जरूर देना चाहिए, ताकि वो सभी तरह के रोगों से बचा रह सके। कोलेस्ट्रॉल का जो स्राव है ये एक हफ्ते बाद ख़त्म हो जाता है। वैसे जो है एक हफ्ता ही है, अगर कोई सिचुएशन होती है कई बार कि कभी कम या ज़्यादा, ये तो होता ही है, तो ज़्यादा जो सही संख्या है वो तो आपका 7 दिन ही रहेगी। 7 दिन तक ही इसका स्राव होता है, उसके बाद में माँ के शरीर में जो मदर मिल्क है उसका स्राव होता है। तो आज हमने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जान ली है मदर मिल्क के बारे में। आज हमने मदर मिल्क के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जानी है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में आगे ही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मदर मिल्क और साथ ही मिल्क के कितने टाइप्स होते हैं,
मिल्क किससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, ये सभी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।